हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास है ड्रेनेज सिस्टम के पार्ट थर्ड है। इसमें हम 21 से 30 तक जो है अपवाह तंत्र से रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो प्रैक्टिस करेंगे। आपको पता है ये क्लास सेम जो है वन डे एग्जाम के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। आप लोग इस क्लास को अपने जो भी फ्रेंड हैं, जो भी वनडे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज अ लगून इन द फॉलोइंग कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में जो पाई जाती है लेक्स उसे हम लगून कहते हैं। तो निम्न में से कौन सी लेक है जो कोस्टल एरिया में पाई जाती है और वो लगून लेक है? तो इसमें सांभर लेक जो कि हम जानते हैं राजस्थान में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। और वही हम अगर बात करें अपने उसमें डल झील जो कि रिलेटेड है जम्मू एंड कश्मीर से, यहाँ पर चिल्का झील जो है वो कोस्टल रीजन की झील है क्योंकि ये उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, उड़ीसा में पाई जाती है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 22वां है हमारा क्वेश्चन कि विच वाटरफॉल इज द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन द इंडिया। कौन सा वाटरफॉल है जो सबसे बड़ा वाटरफॉल, दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल है भारत का? तो इसमें हम बात करेंगे शिव समुद्रम वाटरफॉल, या जोग फॉल, या एब्बे फॉल, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। शिव समुद्रम वाटरफॉल, ठीक है, शिव समुद्रम वाटरफॉल जो है वो भारत का सबसे बड़ा दूसरा वाटरफॉल है। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। 23वें की हम बात करें तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कावेरी रिवर। कावेरी जो नदी है, जो कहाँ कावेरी नदी बहती है? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में बहती है कावेरी नदी। इसकी कितनी लेंथ है कर्नाटक और तमिलनाडु? ठीक है, तो 860, 800, 760, 1400 या 920। तो इसकी हम लेंथ की अगर बात करें तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, 760 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्री फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सुंदरबन डेल्टा हैज डिराइव्ड इट्स नेम। कौन सा है जिसके नाम पर सुंदरबन का डेल्टा का नाम पड़ा है? इसमें से कौन से वृक्ष हैं? सुंदरी ट्री, सुंदर ट्री, बनियान ट्री या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट है ये सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा है जिसमें ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी का वाटर गिरता है जो कि बंगाल की खाड़ी में उसी के किनारे ये वन पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं 24वें का ए करेक्ट है, सुंदरी वन। ठीक है, 25वां है स्क्रीन पर विच रिवर ज्वाइन द दिहंग इन आसाम। दिहंग नदी किसको अरुणाचल प्रदेश में, दिहंग नदी को ब्रह्मपुत्रा को दिहंग के नाम से जानते हैं, और आसाम में कौन सी नदी है जो दिहंग नदी को ज्वाइन करती है? तो इसकी हम अगर बात करेंगे तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, दिबंग और लोहित दोनों हैं जो दिहंग नदी को ज्वाइन करती है आसाम में। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 26वें का है डैमिंग्स ऑफ द रिवर्स हैज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द विच लेक्स। ठीक है, डैमिंग ऑफ द रिवर्स की बात की जा रही है कि कौन सी लेक्स फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण है। वुलर लेक, गुरु गोविंद सागर लेक, और या डल लेक या लोकटक लेक। तो इसका जो करेक्ट है वो है गुरु गोविंद, क्योंकि यहाँ डैमिंग की बात की जा रही है, डैम की जो हम बताए थे पीछे सागर जैसे जो स्थित होता है, गुरु गोविंद सागर। तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, गुरु गोविंद सागर जो झील है वो डैमिंग के लिए यूज की जाती है रिवर के। ठीक है, 27, द वाटर ऑफ विच सीजनल इज यूज्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ द साल्ट। कौन सा सीजनल, कौन सा वाटर है जो कि नमक यूज किया जाता है नमक को बनाने के लिए, सीजनल नमक बनाने के लिए? ठीक है, गुरु गोविंद सागर, डल या सांभर। इसका करेक्ट है सांभर, क्योंकि डल तो फ्रेश वाटर है, गोविंद सागर नदियों से रिलेटेड है, सतलज नदी उससे। तो सांभर लेक पता है आपको कि नमक के लिए उपयोग की जाती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है जो कि राजस्थान की झील है।
28, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर की लेक नहीं है, ठीक है। तो 28वें का है वूलर, डल या बोथ या नानाब्दीज। तो क्योंकि वूलर भी वहां से है रिलेटेड, वूलर जो है टेक्टोनिक, एक है टेक्टोनिक लेक, ठीक है। डल झील जो है वो भी मीठे पानी की और बड़ी झील है, ठीक। उसी अब बात करें तो डी ऑप्शन करेक्ट है, नन ऑफ दीज, क्योंकि दोनों लेक्स वहीं से आती हैं, जम्मू कश्मीर से। तो हम बात करेंगे 29वां है, व्हेन द मियांड्रिंग्स रिवर्स फ्लो अक्रॉस द फ्लड प्लेन्स इज द इट फॉर्म्स द फॉलोइंग लेटर डेवलपिंग द एक्सबो लेक एंड इट इज द समथिंग्स दैट मीन्स कहलाती हैं। कोई नदी है जो अपने बाढ़ के जैसे चलती है और बाढ़ के कारण वो इस रिवर को काट के इधर से डायरेक्ट फ्लो करने लगती है, तो ये छूट गया पार्ट, इसे हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। लेकिन इसे ही हम दूसरे और बाद में किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम जानते हैं कट ऑफ नाम से जानते हैं। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो 30वां है, ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लेक्स आर लार्ज एक्सटेंट कॉल्ड, जो रिवर लेक्स हैं उनका लार्ज जो एक्सटेंट होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सीज, ठीक है, समुद्र कहलाता है, ना कि रिवर या ओशन। तो 30वें का ए ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज जितना हो सके उतना इस क्लास को शेयर कीजिए और लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए आप सपोर्ट कीजिए, जोड़ने के लिए बताइए। और जो वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो आप लोग जरूर से रिकमेंड कीजिए। थैंक यू सो मच।